Hello everyone, welcome back to the channel. So our day 5 of the road trip between Nubra Valley and Sumer. तो आज का हमारा प्लान एग्जैक्टली यही है. हमने हुंदर से निकलना है, थोड़ी कैमल राइड वगैरह लेनी है, सैंड ड्यून्स देखने हैं और हम चल पड़ेंगे सुमर की तरफ. अभी टाइम हुआ है 10:12 और हम होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले हैं. एक बार आपको आज का रूट दिखा दूँ. हुंदर सैंड ड्यून्स से हम निकलेंगे और वापस हम जाएंगे टी मोड़ तक और फिर वहाँ से सुमर तक. तो सुमर का रास्ता जो है लगभग 1 घंटा दिखा रहा है. तो हम 12 बजे निकले हैं एंड वी आर directly going towards the sand dunes. बारह बज के 20 मिनट हुए हैं और हम सैंड ड्यून्स के पास जहाँ कैमल राइड्स मिलती हैं, बहुत फेमस अट्रैक्शन है यहाँ की, यहाँ पहुँच चुके हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं डस्ट काफ़ी है, तो इसलिए मुंह के ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्शन आपको चाहिए ताकि सैंड वगैरह आप इनहेल ज़्यादा ना करें. तो ये 2 humped कैमल्स हैं. ये इस एरिया के या एक्साई चिन या इंडियन साइड पे आपके नुब्रा वैली में बहुत फेमस हैं और ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते सिवाय इस एरिया में, इस रीजन में. तो हम इनकी सवारी करने लगे हैं और जल्दी से एक राइड लेते हैं, सैंड ड्यून्स देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. तो एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगा. कैमल राइड जो है उसमें लगभग 12:30 से 2-3 बजे तक जो है यहाँ पे कैमल राइडर्स जो होते हैं या आप ब्रेक लेते हैं और उस टाइम टिकट्स नहीं मिलती. हम लकी थे कि हमारे को लास्ट राइड मिल गई, अदरवाइज़ हम भी लेट थे. तो जब भी आप पहुँचे कोशिश करें 12 बजे से पहले आ जाएँ या फिर 2 बजे के बाद आएँ. अब हमने कैमल राइड ले ली है और हम चल पड़े हैं दिस्कित की तरफ. डिस्किट से आगे जाके हमने सोचा है कि हम ATV राइड भी लेंगे, बट उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ. तो इस वक्त हम चल रहे हैं डिस्किट के लिए. और अब हम पहुंच गए हैं दिस्कित. लगभग 1:45 बजे हैं दोपहर के और जो सामने आपको वो बिल्डिंग दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो दिस्कित गोम्पा है या दिस्कित मोनेस्ट्री है. हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट था इसलिए हम यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, बट अदरवाइज़ दिस इज़ ऑल्सो गुड प्लेस टू विजिट. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से भी आपको दिस्कित गोम्पा जो है पहाड़ी के टॉप पर थोड़ा सा दिख रहा है. ये जो आपको पहाड़ियाँ भी रोड साइड पर दिख रही हैं, ये रिवर क्रॉस करके आपकी आती हैं लेफ्ट साइड पर स्क्रीन की, जो आपकी पहाड़ियाँ दिख रही हैं. हमने सुमर के लिए उन्हीं पहाड़ियों वाली साइड जाना है. बीच में कुछ पहाड़ियाँ जो हैं वो रिवर के सेंटर में आती हैं जहाँ से रिवर 2 में डिवाइड होती है. तो हमने दूसरी साइड जाना है इन्हीं पहाड़ियों के, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रही हैं. और सुनने में आया है कि इन पहाड़ियों के बीच में एक लेक भी है जो हिडन है, तो आज हम वो भी देखेंगे. तो 2:20 हो चुके हैं और दिस्कित से हम ट्रैवल करके इस जगह पे पहुंच चुके हैं जो स्ट्रेट रोड है टी मोड़ की तरफ. यहाँ पे ATV राइड मिलती है तो हम ATV राइड लेने लगे हैं. तो वी आर जस्ट चेकिंग ऑफ द बॉक्सेस, जो जो चीज़ें आइटनरी में हैं उनको कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं धूल मिट्टी बहुत उड़ने शुरू हो चुकी थी, तूफान सा चल रहा था. तो येस, यू नीड अ मास्क और एटलीस्ट अ बंडाना जैसे मैंने बांधा है टू कवर योर माउथ एंड नोज सो दैट आप ज़्यादा धूल मिट्टी इनहेल ना करें. और पानी वगैरह जो है अपने साथ आप रखेंगे हमेशा गाड़ी में whenever you are traveling in Ladakh region.
तो एटीवी राइड लेने के बाद अब हम टी मोड की तरफ चल पड़े हैं और उसके बाद हम सुमोड चल पड़ेंगे। लगभग 20 मिनट कम तीन हुए हैं इस वक्त। और ये जो स्ट्रेट पाथ था, इसी रोड से हम पहले बुंदर के लिए आए थे और टी मोड से मुड़े थे। अब टी मोड से मुड़ने के बाद हम लगभग इस ब्रिज के पास पहुँच जाएंगे, तो वहाँ की तरफ हम बढ़ दिए हैं सुमोड की तरफ। तो चलते हैं, अगला स्टॉप सुमोड। तो दोपहर के लगभग 3 बजे हैं और हम सुमर के पास पहुंच चुके हैं। ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया सुमर है। गूगल मैप पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक पॉइंट दिखा रहा है। ये जो मेन मार्केट है सुमर की, वहाँ से हमने राइट लेना है थोड़ा पीछे की तरफ, जे एंड के बैंक एटीएम के पास एओ गेस्ट हाउस है, यहाँ हम रुक रहे हैं। रूम्स काफ़ी चीप थे सुमर में, और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, हम मार्केट से राइट ले रहे हैं टूवर्ड्स एओ गेस्ट हाउस। जैसा कि मैं बता रहा था, रूम्स सुमर में काफ़ी चीप थे खुंदर के कंपेरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होटल्स वगैरह नहीं है, मोस्टली होम स्टेज या गेस्ट हाउसेज हैं। और अच्छी लोकेशन है, पीसफुल है, बट हाँ, खुंदर जितनी डेवलप नहीं है। तो गेस्ट हाउस में चेक इन करके, लगेज वगैरह उतार के, हमने डिसाइड किया कि हम इस रूट को थोड़ा आज एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस रूट पे। इस रूट पे भी काफ़ी लंबा रास्ता आगे तक जाता है, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप तक जाता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैप पे, तो हम सुमर से चल पड़े हैं टिगुर की तरफ। टिगुर जो है सुमर के बिल्कुल एंड पे आता है, और उससे रास्ता निकलता है ये समस्टालिंग गोम्पा का या मोनेस्ट्री का, ये हम वापसी में आते हुए देखेंगे। अभी हम इस रूट पे आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं पनामिक हॉट स्प्रिंग्स। अब पनामिक हॉट स्प्रिंग्स के रास्ते में बीच में एक जगह आती है यारब सो या यारब लेक, तो ये भी हम विज़िट करना चाहते हैं, उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। तो पनामिक से आगे अगर आप जाएंगे तो 50-60 किलोमीटर आगे, 80 किलोमीटर आगे सुमर से, तो सियाचिन बेस कैंप आता है, और यहाँ पे आपका सियाचिन वॉर मेमोरियल भी है। बट बिकॉज हम पिछले दिन के सफ़र से एग्जॉस्टेड थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम उतना आगे नहीं जाएंगे इस रूट पे, और हम पनामी तक ही जाएंगे। तो अभी हम चल पड़ रहे हैं पनामिक हॉट स्प्रिंग्स देखने के लिए, एंड इन द मीन टाइम आई विल लेट यू एंजॉय द व्यूज़। एक चीज़ तो रोड्स की कंडीशन देख के क्लियर है कि ऑल तो यहाँ ब्लैकटॉप हुआ है, बट रोड्स जो हैं उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी हुंदर से तुरतुक वाले रूट में थी। वो जो रूट है वो ज़्यादा ट्रैवल्ड है, टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा विज़िट करते हैं, और सुमर अभी अभी फेमस होना शुरू हुआ है, बट यहाँ पे अभी भी इतनी चहल पहल नहीं है।
नो डाउट सियाचिन वॉर मेमोरियल देखने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं, बट इट इज़ स्टिल नॉट इन द कंपैरिजन ऑफ थंग विलेज। स्टिल रूट अच्छा है, सीनिक ब्यूटी है। और अभी आप जो लेफ्ट साइड पे पहाड़ देख पा रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जो हमें हुंदर वाली साइड से आते हुए हमें दिखे थे, क्योंकि रिवर श्योक जो है वो दो रिवर्स में डिवाइड होती है। जो रिवर जाती है तुरतुक वाली साइड, उसको श्योक रिवर बोला जाता है डिवाइड होने के बाद, और जो इस साइड आती है टूवर्ड सुमर, इस पार्ट को नूबरा रिवर कहा गया है ऑन गूगल्स मैप एट लीस्ट। तो हम पनामिक के लिए बढ़े चल रहे हैं और लेट्स होप दैट वी रीच देयर सून। तो दोपहर के 4:20 हुए हैं और हम पनामिक पहुंच चुके हैं। पनामिक में काफ़ी जो रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ हैं वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स के थीम पे बने हुए हैं। थीम्स कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, थीम की जगह आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने हॉट वाटर स्प्रिंग जो हैं उसके नियर बाय ही ये कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हैं, और कुछ होटल्स वगैरह भी अब खुलना शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन से जो हमें रास्ते में दिखे। एनीवेज, जो ऑफिशियल स्पॉट है जो यूटी ऑफ लद्दाख ने डेजिग्नेट किया है पनामिक हॉट स्प्रिंग्स, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। और थोड़ा रफ सा रास्ता था पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, जहाँ से आपको पूरी वैली का नज़ारा दिखता है, पनामिक का पूरा व्यू दिखता है। तो वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और हम एक्सप्लोर करने के लिए आगे चल पड़े। तो यहाँ पे बेदिंग के लिए जगह थी कुछ अंदर, कहा जाता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो हैं इनका पानी जो है आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बेदिंग के लिए और थोड़ी ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए जगह रखी हुई है। तो रूम्स बने हुए हैं उस हिसाब से, जहाँ पे आप हॉट वाटर स्प्रिंग के पानी में ही बेद कर पाएंगे। हमने तो वो ऑप्शन ऑप्ट आउट किया, बट वी आर ऑन अवर वे टूवर्ड्स द सोर्स ऑन द माउंटेंस, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग का सोर्स है इस पहाड़ पर। नाउ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। हॉट वाटर स्प्रिंग्स जनरली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी होती है, यानी कि जहाँ पे अंडरग्राउंड जो वाटर है वो हीट हो रहा होता है, आइदर थ्रू मैग्मा यानी कि लावा, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या प्रेशर है नीचे उसकी वजह से हीट हो रहा होता है, और फिर वो गर्म होकर ऊपर बाहर निकलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी तो बाहर नहीं आ रहा था, बट नेवरदलेस यहाँ पे ज़रूर जियोथर्मल एक्टिविटी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पानी आ रहा है उसके साथ थोड़ी बहुत सेडिमेंट्स या मिनरल्स भी बाहर आ रहे हैं, तो दिस इज इंडिकेटिव के कोई ना कोई मिनरल जो है वो साथ में मिला हुआ है पानी के अंदर, जो कि अंदर पानी जब नीचे ज़मीन के बाहर आ रहा है तो उसमें मिलके यहाँ पे सेडिमेंट्स जो हैं डिपॉजिट हो रहे हैं। एनीवेज, इन्होंने अच्छे से इसको कॉर्डन ऑफ किया था, एरिया को फेंस लगाया हुआ था। तो हम टॉप तक गए और हमने सोर्स देखा, और जैसे कि आई डोंट नो आप देख पाएंगे वीडियो में कि नहीं देख पाएंगे, बट जो आउटलेट था पानी का वहाँ से स्टीम आ रही थी, और ये पानी डेफिनेटली गर्म पानी था। तो दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। दस मिनट कम 5 हो चुके हैं, तो यहीं पे एक कैंटीन थी, यहाँ पे हमने कुछ लोकल क्विजीन ट्राई करने की सोची। तो खम्बीर ब्रेड, साथ में स्क्यू, और साथ ही साथ एक मैगी मंगवाई है, एज इंडियंस लव देयर मैगी। सबसे पहले विल ट्राई खम्बीर। खम्बीर जो है वो लोकली मेड ब्रेड है, यहाँ पे आटे से बनती है और खमीर बना के इसको पकाया जाता है। दे सर्व इट विद जैम, सम बटर एंड सॉल्ट। तो अच्छा एंड वेरी होमली टेस्ट था, अर्दी टेस्ट था, एंड पूरे दिन में हमने कुछ खाया नहीं था आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो दिस वाज अ वेलकम ट्रीट फॉर अस।
टू आर सरप्राइज जो मैगी दी गई वो सूपी मैगी थी, एक तरह की आपकी नूडल सूप की तरह बनी हुई, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स थे। वेरी डिलीशियस, वेरी होमली, वेरी रस्टिक। फाइनली वी ऑर्डर स्क्यू, और इन्होंने स्क्यू में कड़म डाला था जो फ्रेशली यहीं पे उगाया गया है सुमर में। प्रॉबेबली जो ओनर्स थे उनके किसी के किचन गार्डन वगैरह में उगा होगा ये। तो आटे की छोटी छोटी सी आप समझ लीजिए गोलियां होती हैं फ्लैटेंड, तो उनको उबाल के सूप के साथ सर्व किया जाता है। तो ट्रेडिशनल डिश है लद्दाखी, तो मैंने पहली बार चखी एंड आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू हैव दिस। लंच हमने कर लिया है, शाम के 5:30 हैं और अब हम सुमर की तरफ वापस चल पड़े हैं। बीच में हमें यारब सो भी देखनी है, जो एक लेक है, हिडन है। जब आप अनामिक से सुमर की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ किलोमीटर की दूरी पे रोड के आप वापस जाते हुए सुमर की तरफ जाते हो तो आपको राइट साइड पे एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे स्पेशली लिखा होगा यारब सो। वहीं से आप ऑफ रोड जाइएगा, बिकॉज ये पूरा एरिया जो है काफ़ी सैंडी है तो गाड़ी फंस सकती है। जो रोड उन्होंने बनाई हुई है, आई वुड से कि इट्स नॉट अ रोड, कच्चा रास्ता है, बट जो रास्ता बना हुआ है इस बोर्ड के साथ, उसी बोर्ड से आप ऑफ रोड जाइएगा। अदरवाइज इट मे नॉट बी सेफ एंड योर कार कैन गेट स्टक। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ रिवर बेड, तो यहाँ पे पानी पिघलता है जब शाम को, तो पानी थोड़ा बहुत जमा भी हो जाता है, तो उसकी वजह से इट कुड गेट वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस इट। तो एनीवेज हमने यहाँ पे गाड़ी जितनी आगे तक हम ले जा सकते थे, जो सामने आपको टेंट दिख रहा है वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और आगे का रास्ता हमने पैदल किया। जो सामने पहाड़ आपको दिख रहा है, हमने उस पहाड़ पे चढ़ना है, उस पहाड़ के बीच में यारब सो लेक है। तो 5:40 हुए हैं शाम के और अब हमने गाड़ी पीछे छोड़ दी है और वो आपको सामने स्क्रीन पे भी गाड़ी दिख रही है। वहाँ से हम पैदल चलना शुरू किए हैं और अभी हमने इस सामने वाले पहाड़ पे चलना है। एंड जो क्लाइंब है वो हमने 6:10 पे शुरू किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा रास्ता है, पगडंडी बनी हुई है, एंड दे यू कैन सी कितनी दूर हमने गाड़ी छोड़ के आए हैं और अभी तक 10-15 तो हमें चलते हुए हो चुका है। जो आपको रिवर बेड दिख रहा है वहाँ पानी जमा हुआ दिख रहा है, इस पानी को भी क्रॉस करना पड़ा और जिसके दौरान हमारे जूतों पे कीचड़ लग गया। तो एनीवेज और कोई चारा नहीं था, ये पैदल ही क्रॉस कर सकते हैं। इस पार्ट को स्पेशली आप गाड़ी पे नहीं क्रॉस कर सकते, यू विल गेट योर कार स्टक अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट इन फॉर ऑफ रोडिंग एंड यू हैव अ 4-व्हील ड्राइव कार। तो आप ये प्लीज़ ट्राई मत कीजिए, पैदल आना बेटर है। और बेटर ये भी रहेगा कि आप उसी टाइम पे आए जब पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वापस जब हमने उतराई की थी और हमने वापस क्रॉस किया तो पानी थोड़ा सा बढ़ चुका था। तो आई एम एज्यूमिंग के रात होते होते पानी थोड़ा और बढ़ सकता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट थिंग एटलीस्ट। तो पहाड़ी पे चढ़ने के बाद यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि वॉशिंग एंड बेदिंग इज़ नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज़ अ होली लेक, तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, रिस्पेक्ट कीजिए कल्चर की, रिस्पेक्ट कीजिए लेक की, एन्जॉय द व्यू, एन्जॉय द लेक, एन्जॉय द सेरेनिटी ऑफ द होल लोकेशन and be respectful to the culture, please. छः बज के 5 हुए हैं और हमें 20-25 हो चुके हैं ट्रैक करते हुए, वॉक करते हुए, एंड फाइनली वी आर एट यारब सो। जो सामने वाली पहाड़ी आपको दिख रही है राइट साइड स्क्रीन के, दैट इज़ वेयर हुंदर इज़ लोकेटेड आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि बहुत वास्ट डिस्टेंसेज है तो प्रॉबेबली हुंदर जो है दिस्कित है उसी साइड पे था। एंड आफ्टर सिटिंग एट द लेक साइड फॉर सम टाइम वी डिसाइडेड दैट इट्स बेटर टू हेड बैक होम बिकॉज अब अंधेरा होना शुरू हो रहा था, शाम हो रही थी। तो हमने वापस उतराई की एंड वी ट्राइड टू गेट बैक टू द कार सेफली एंड एज सून एज पॉसिबल। पौने 7 हम अपनी गाड़ी में बैठे और हम सुमर के लिए रवाना हुए। जैसा मैंने आपको वीडियो की बीच में पहले बताया था कि हमने एक मॉनेस्ट्री भी देखनी है जो सुमर में लोकेटेड है।
आई एम थिंकिंग कि हमें लेट हो चुका हुआ होगा और इस मोनेस्ट्री शायद बंद ना होगी हो, बट फिर भी वी वॉन्ट टू सी एटलीस्ट लोकेशन कहाँ पे है और बाहर से दिखने में कैसी है, इवन इफ इट इज़ क्लोज एट दिस मोमेंट. तो हम चल पड़े हैं उसी साइड. याद रखिए टिगुर के पास से ही जो मोड़ है एक ऑफ, आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है वापसी में, तो आपने पहाड़ी के ऊपर वाली साइड जाना है जो कि अंदर वाली साइड से सुमुर के मेन रोड से अंदर होके आपको वो मोनेस्ट्री दिखेगी. तो 7:10 हुए हैं और सामने हमें सुमुर की बाउंड्री दिख रही है, टिगुर का मोड़ भी दिख गया है. तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ से हमने ये छोटा रूट जो है, जो दिखने में कच्चा लग रहा है, बट दिस इज़ नॉट कच्चा रूट, पाथवे जो है ब्लैक टॉप है. तो आपको उसी साइड जाना है और ये सनस्टेलिंग मोनेस्ट्री है. एंड दिस वॉज द बैक साइड ऑफ द टाउन, जो सुमुर का बैक साइड है वो यहाँ से आता है. एंड इसी रास्ते और जो मेन रोड है उसके बीच में ही सारा का सारा जो ये छोटा सा टाउन है ये लोकेटेड है. तो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पीसफुल ये रूट था, ज़्यादा रश नहीं था, बहुत ज़्यादा. इफ यू लाइक नेचर, यू वांट टू कम एंड एंजॉय एंड रिलैक्स, तो आई वुड से कि हुंदर से बेटर डेस्टिनेशन आपके लिए सुमर रह सकती है, एटलीस्ट जब तक यहाँ पे फिर से पॉपुलैरिटी ना बढ़ जाए लोकेशन की और टूरिस्ट ज़्यादा ना आना शुरू हो जाए. सात बज के 20 हुए हैं और ये हम पहुंच गई जो सनस्टेलिंग मोनेस्ट्री है वहाँ पे. और जैसा हमारा डर था कि मोनेस्ट्री जो है अभी इज नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट, बट वी विल स्टिल हैप्पी दैट वी एटलीस्ट केम एंड सी मोनेस्ट्री कहाँ लोकेटेड है. एंड मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विजिट दिस प्लेस वी विल गो एंड विजिट द मोनेस्ट्री एट अ मोर अप्रोप्रिएट टाइम. अभी हम इसी अंदर वाले रूट से जो है आगे बढ़ चले हैं. इसी रूट पे जो हमारे गेस्ट हाउस था, एओ गेस्ट हाउस, उसके जो ओनर हैं उनका घर भी इसी रूट पे आगे पड़ता है और ये आगे जाके मेन रोड पे जुड़ता है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा. तो अभी हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं. शाम के 7:30 हैं और हम अपने जो गेस्ट हाउस है उनके ओनर के घर पहुंच चुके हैं. ही वॉज अ वेरी वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी वेलकमिंग. इनकी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी फैमिली थी एंड दे वर अमेजिंग होस्ट. और जैसे आप देख सकते हैं रूट वापस जाके एओ गेस्ट हाउस पे रुकेगा, बट हम डायरेक्टली वापस गेस्ट हाउस नहीं गए, उसके बारे में बाद में बताऊँगा. हम एक जगह और विजिट करने गए, बट ये आप देख सकते हैं ये हैं जो गेस्ट हाउस के ओनर थे जो अभी हमें गाइड दिखाएंगे पूरे के पूरी अपनी प्रॉपर्टी का. इन्होंने काफ़ी अच्छी सब्जियां, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे
लगाए हुए हैं। हुएवर यू आर, आप जब भी इनके गेस्ट हाउस में रुकेंगे सबको ऐसे ही वेलकम करते हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सन। प्लीज़ गो एंड विजिट योर गेस्ट हाउस एंड यू विल बी ट्रीटेड विद ऑल द हॉस्पिटैलिटी यू नीड। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रेट्स आर वेरी रीजनेबल विदाउट ब्रेकफास्ट। इनका जो एक रूम था वो 1500 का था। मे बी वेन यू आर सीइंग दिस वीडियो या आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दिस रेट में इंक्रीज, बट स्टिल इतनी दूर आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में रहने को मिल रहा है जहाँ पे सर्विसेज भी अच्छी हैं और खाना भी अच्छा है। तो आई थिंक दिस वॉज अमेजिंग। वेरियस वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स जो भी आपको खाना देंगे घर की सब्जियों से ही बना के देते हैं। तो आई वॉज रियली अप्रिशिएटिव ऑफ हिम गिविंग अस सच अ टूर एंड फाइव स्टार्स ऑल द वे। एंड आई वुड अगेन लाइक टू थैंक मिस्टर सिवांग जी एंड हिज फैमिली फॉर वेलकमिंग अस। अमेजिंग अमेजिंग पीपल। तो 7:45 हो चुके हैं शाम के। हम वहाँ से गेस्ट हाउस के ओनर के घर से निकल चुके हैं। उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि हम सुमूर में जो सैंड ड्यून्स हैं उनको भी देखें। तो हम सुमूर के सैंड ड्यून्स देखने जा रहे हैं। सुमूर का नाम आपने वीडियो में मैंने देखा होगा आपने कि मैंने लिखा है SUMUR, क्योंकि गूगल मैप्स पे जो है SUMUR दिखाता है। और जो पूरा रीजन है आगे पीछे की पहाड़ी का और आउटर गाँव वगैरह को मिला के उनको सुमूर बोलते हैं, SUMWR। तो दोनों में से कोई भी नाम चलेगा। यू विल फाइंड दैट बोथ लोकेशन आर देयर बट SUMWR जो है थोड़ा दूर दिखाता है रोड से। दैट इज़ वाई आई एंटर्ड द नेम इन द वीडियो और शोड द नेम इन द वीडियो, जो कि आपको इजीली एक्सेसिबल हो ऑन गूगल मैप्स। एनीवेज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरे सैंड ड्यून्स हैं एंड काफ़ी काफ़ी पीसफुल एंड सरीन एनवायरनमेंट एंड बट नॉट मच डेवलपमेंट इन दिस प्लेस। यहाँ पे कोई कैमर्स नहीं दिख रहे, होटल्स नहीं है, एक छोटा सा सामने आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है। इसके अलावा यहाँ पे और हमें कुछ दिखा नहीं। तो वी डिसाइडेड टू हैव सम पनीर पकौड़ा एंड कॉफ़ी। 8:20 हुए हैं शाम को और ठंडा मौसम था, तो वी ट्राइड कि डिनर से पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं इस रेस्टोरेंट में जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो देवर ऑल्सो वेरी वेलकमिंग और इतना लेट इन्होंने हम आपको ये बना के दिया, वी आर वेरी अप्रिशिएटिव। तो शाम के 8:30 बज चुके हैं एंड वी आर बैक एट आर गेस्ट हाउस एंड वी आर गोइंग टू टेक अ क्विक बाथ बिकॉज डस्ट वगैरह जो है पूरी बॉडी पे चिपक चुकी है, दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ। एंड देन वी विल हैव अ डिनर जो कि हमारे गेस्ट हाउस के ओनर की वाइफ जो है उन्होंने खुद बनाई है ऑन आर रिक्वेस्ट। दिस इज़ वेजिटेबल थुप्पा, जिसमें कि उनके घर के वेजिटेबल्स हैं। वेरी वेरी डिलीशियस अमेजिंग फूड और थुप्पा बनाने में टाइम काफ़ी लगता है। तो वी वर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द गेस्ट हाउस ओनर्स एंड देर आफ्टर वी ऑल्सो आस्क देम टू मेक अस सम मोमोज, जो कि उन्होंने बनाए एंड वी हैड सम अमेजिंग वेज मोमोज ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि वो नॉन वेज मोमो सर्व नहीं करते या नॉन वेज डिशेज सर्व नहीं करते, बट वी आस्क देम टू मेक दिस ऑन शॉर्ट नोटिस। सो दैट इज़ वाई वी स्टक विद वेजिटेबल फूड ओनली बिकॉज वी वॉन्टेड टू टेस्ट द फ्रेश वेजिटेबल्स जो उन्होंने अपने घर पर लगाए हैं। तो दिस वॉज ऑल इन ऑल अमेजिंग डिनर, वेरी अप्रिशिएटिव। प्लीज़ अगर आप कभी सुमर विजिट करें तो AO गेस्ट हाउस में ज़रूर रुकें और उनको बताएं मेरे बारे में कि मैंने रेफरेंस दी है। एंड नहीं भी बताएंगे तब भी वो आपको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ झलकियाँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ अगले वीडियो की, जो हमारा नेक्स्ट डे का सफ़र था फ्रॉम सुमूर टू पेंगोंग लेक। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।